देख ले वीरपाल, मैं तेरे बच्चों के बारे में कुछ कहूँ तो तेरे तन बदन में आग लग जाती है। उरा अब किसका नाक पीट दियो? ये बात तो मैं बता नहीं सकता, तेरे बच्चों पे कंट्रोल तो है नहीं तेरा कतई। उरा पूरी दुनिया यूं ही कहती फिरती है तेरे बच्चों पर तेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और किसने कहा कर दिया बताओ तो सही मुझको? वो तेरा छोटा अनमोल रतन। अमाने पूरा कहाँ मर गो अमाने? ओ अमाने, हाँ पापा क्या हुआ? पूरा तेरा नाम अमाने? नहीं पापा, मेरा नाम तो वो क्या वो? नहीं पापा, मेरा नाम तो विनोद है। विनोद? विनोद है? तो यहाँ मैं कहा कर रहा है? पापा मैं तुम्हारे इसमें ना क्लोथ को वॉश कर रहा हूँ। उरे अंग्रेजी में गाली दे रहा है? अरे नहीं पापा, मैं तुम्हारे इसमें कपड़े धो रहा हूँ। अब तुम्हारे कपड़े धोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बहू तो पहली भगी तुम्हें छोड़ के। उरे बदतमीजी कर रहा है? यू बता भला छोटा वाला कहाँ है? बताओ पापा क्या काम है? काम यू काम है? बता तू लेगा वहां की जगह प्रसाद? पापा वो तो टेरिस पे होगा। टेरिस? अब यू टेरिस्ट का होगा? अरे उरो पापा टेरिस्ट। भैया मुंह को ना दिख रहा, कहाँ है टेरिस्ट? अरे पापा छत पे। उरे अभी तू टेरिस्ट कह रहा, अब तू छत कह रहा है? अरे पापा टेरिस से छत कह रहे। बनाने के लिए भी कोई नहीं है यार, आपकी बहुत याद आ रही है। वो कर लो ना यार मुझसे शादी। अरे रिचार्ज की दिक्कत क्यों लेते हैं यार आप? मैं करवा दूंगा ना यार आपका रिचार्ज यार, आपको एक साल में फ्री का करवाऊंगा यार। आप चाचा की दुकान है यार मेरे रिचार्ज वाली यार, हमेशा दिक्कत लेती है यार बापू। तुम्हारे फिक्र में जी नहीं पाऊंगा यार बापू, आई लव यू यार। यार आपका रिचार्ज खत्म हो गया, दिक्कत क्यों ले रही हो? मैं करवा दूंगा ना, मेरे पापा खड़े हैं। कौन है रे पापा तुम? अच्छा यहाँ पे लेट के आस की हो रही है, पहले तो नीचे चल। पूरा दिन आस की है? पूरा दिन आस की? आस की बाजी हो रही है, आस की बाजी। और एक बात बता, इतना लगता कैसे गीले हो रहे हैं? पापा आज छत पे ना बहुत कैड़ी धूप निकली है, तो उस कैड़ी धूप में मैं कम्बल ओढ़ के अपनी सेटिंग से बात कर रहा था, तो इसलिए सारे कपड़े पसीने मेरे तल बदल हो गए। अच्छा बस तुम मेरे को दो मिनट दो, मैं यूं गया और यूं आया कपड़े बदल के। आ बदल के। 10 मिनट बाद। अरे 2 घंटा होगा तेरे को यहाँ में बैठे बैठे, अब लुवाइयों की तरह तैयारी हो तो रहेगा, बाहर भी आएगा। हाँ बताओ क्या हुआ? अरे बताऊंगा पहले, भीतर तो चल मेरे बेटे। यहाँ पे मुर्गा बन जा, मुर्गा यहीं पे। हाँ ओ वैसे बन जा जैसे भारद्वाज मुर्गा बनाता था। अरे मैं जा रहा हूँ बाहर एक काम निपटाने, तू करेक्ट 2 घंटा मुर्गा बन के साइकिल अंदर खड़ी कर दियो। जो मैंने तेरे को काम बोला वो काम ध्यान से कर दियो, ये बात बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या है अब इस पिटारे में से बाहर भी आ जाए, एसी में बैठा रहेगा क्यों? क्या काम है ये तो बता। आ चल बाहर को चल ले। अरमान सब कौन है बे? अबे हम है तेरे दोस्त। अच्छा तुम हो, काम करो छत पे जाके बैठो, मैं आ रहा हूं। आगे ढंग से मुंह तो भी नहीं देते।
मैं पहले मेरे को चढ़ जाने के, ज्यादा जल्दी हो रही है तुझे ऊपर जाने की। चल हाँ भाई बताओ क्या बात है। होगा क्या, आ रहे हैं भाई अपने बाप से छिछलाकर। भाई एक सेकंड, भाई मुझे ना तुम्हारा बाप ठीक नहीं लगता है, जब देखो किसी ना किसी की मरम्मत करता रहता है वो। यार भाई मैं तो अपने बाप से बहुत दुखी हो गया, एक तो उनके हाथ, दूसरी उनकी जुबान जो कभी बंदी नहीं होती, इसी कारण आज हमारी मम्मी बखत से पहले किसी और के साथ निकल गई। दिल तो ऐसा करता है कि बाप और साइकिल दोनों को दीवार में मार दूं। अरे तू उसे मारने की बात कर रहा है जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, और जब तू हकता था ना तो तेरी टट्टी की बदबू के कारण गांव के आधे लोग गांव की बाउंड्री पे जाके खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर भी उस बाप ने तेरी टट्टी धोई और तुझे पिंक पिंक कच्छे पहनाए ताकि तू क्यूट बच्चा दिख सके। तो भाई मैं फिर क्या करूं, मेरे दोनों तरफ के गालों पे थप्पड़ लग लग कर दोनों तरफ की खाल छूट गई है। अरे भाई तुम दोनों ये बात छोड़ो, तुम्हें ये पता अपने गाँव में बहुत सारी आजकल चोरियां हो रही है। भाई बाप ने जो साइकिल अंदर खड़ी करने के लिए बोली थी वो तूने खड़ी कर दी। अबे बाप तुझे बोल कर गया था तो तू खड़ी करता। भाई बड़ा तो तू ही है, तू ही कर देता। अबे यार साइकिल तो है ही नहीं। अबे यार आज साइकिल नहीं मिली ना तो बाप मुझे जिंदा खा जाएगा। पूरा कहाँ लेकर चले आ रहे हो? अरे पापा कल मेरा स्कूल में ना सामाजिक विज्ञान का टेस्ट है तो बस मैं उसी की तैयारी करने जा रहा था। और पापा मेरा बैगन का। बैगन? अरे पापा बैगन नहीं, इसका विज्ञान का टेस्ट है कल। अरे हाँ ठीक है ठीक है, अपनी पढ़ाई पढ़ाई करते रहना। तुम एक काम करो, मेरी साइकिल ला के दो, मेरे को पिंटू के पास जाके अपना रूपा का अंडरवेयर लेकर आना है। पापा वो साइकिल तो अरमान लेकर गया है। बेटा मुझे नहीं पता कौन है अरमान, अगर मेरी साइकिल मेरे पास नहीं आई ना तो तुम दोनों को भुट्टे की तरह छील दूंगा। ठीक है पापा भी लाकर दे रहे हम। बे यार भाई अब क्या हो गया यार। बे यार भाई हमारी तो साइकिल चोरी हो गई, तू अपनी साइकिल हमें दे दे। अबे सालों मेरे दादा परदादा मर गए साइकिल का टायर चला चला के और तुम साइकिल की बात कर रहे हो। अबे भाई कुछ तो जुगाड़ करवा दे हमारा यार, हमारा बाप हमें जिंदा खा जाएगा वरना। चल ठीक है दो मिनट दे, अभी आ रहा हूं मैं। अबे भाई ये क्या है? भाई यही है जो है सो, अब इसे ले जानी है तो ले जाओ वरना अपने बाप से पिटाई खाओ। पापा आ गई तुम्हारी साइकिल। उरा अब यू किसकी साइकिल ले आयो? अरे पापा ये साइकिल तुम्हारी है, वो अरमान है ना इस साइकिल को लेके मनाली चला गया था तो ये ना चल चल के ना घिस गई, इस वजह से तुम कह रहे हो ये साइकिल किसकी है। बेटे मुझको मेरी 10 मिनट के अंदर अंदर पार्किंग में साइकिल चाहिए। ठीक है पापा। घंटे बाद हाँ बेटे आ गई मेरी साइकिल। हाँ पापा पार्किंग में खड़ी कर दी। बेटे मैंने तुमको 10 मिनट का टाइम दिया था और तुम मेरे पास 10 घंटे में आ रहे हो, सुबह से लेकर शाम हो गई तुम्हें देखते देखते हैं।
few moments later. वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और वीडियो का जो मेन पार्ट लगाओ वो मेरे को कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं वैसी वीडियो और बना सकूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।